नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं अंशित अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 2 CVE इवेल्युएशन, मतलब कंपिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन के तहत 2024-25 का विषय हिंदी का वर्कशीट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा ये आज का सवाल है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सही उत्तर का चयन करना है। आपको पढ़ना है, हम आइए पढ़ें। हम आधुनिक मानव होमो सेपियंस पिछले 10,000 सालों से एकमात्र मानव प्रजाति होने के इस कदर अभ्यस्त हो चुके हैं कि किसी दूसरी मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन होमो सेपियंस मानव प्रजाति की महज एक किस्म है। आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले पृथ्वी कम से कम 7 मानव प्रजातियों का घर हुआ करती थी, और इस दिशा में खोज की दर इतनी तेज है कि प्रत्येक वर्ष मानव वंश वृक्ष में नए नए नाम जुड़ते जाते हैं जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में पुरातत्वविदों के उत्तरी फिलीपींस में आदि मानव के अलग और नई प्रजाति के अवशेष खोज निकालने में सफलता मिली है। इस हालिया खोज से यह पता चला है कि जिस समय मौजूदा मानव प्रजाति यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रही थी, उस वक्त फिलीपींस में मनुष्य की एक और प्रजाति मौजूद थी। मानव वैज्ञानिकों को फिलीपींस में लुजोन द्वीप के में मानव की उस प्रजाति के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसे अवशेष लुजोन द्वीप में पाए गए हैं, इसलिए इस प्रजाति का नाम होमो ल्यूजोनियस रखा गया है। मनुष्यों के ये दूर से संबंधी आज से तकरीबन 50,000 से 67,000 साल पहले फिलीपींस के इस द्वीप पर रहते थे। तो इसको पढ़ने के बाद हमें उत्तर देना, आधुनिक मानव के लिए किस चीज़ की कल्पना करना कठिन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरी कह रहा है जो कि पिछले 10,000 सालों से एकमात्र मानव प्रजाति होने के इस कदर अभ्यस्त हो चुके कि किसी दूसरी मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना मुश्किल है। तो आधुनिक समाज में किस चीज़ की कल्पना करना मुश्किल है? दूसरी मानव जाति के अस्तित्व पर। पुरातत्वविदों ने आदि मानव की नई और अलग प्रजाति की खोज कहाँ की है? तो ये देखिए, ये उत्तरी फिलीपींस में की है, तो इसका ऑप्शन घ। होमो ल्यूजोनियसिस को मनुष्य को दूर का संबंध ही कहा गया है, क्योंकि मानव फिलीपींस में लुजोन द्वीप में मानव की उस प्रजाति के पुख्ता सबूत मिले। इस अवशेष लुजोन द्वीप में पाए गए, इसलिए प्रजाति का नाम होमो ल्यूजोनियसिस रखा। मनुष्य ने ये मनुष्य के ये दूर के संबंधी आज से तकरीबन, तो कह रहा है उनका जो है ये मनुष्य वे फिलीपींस के द्वीप लुजोन पर रहते थे। होमो ल्यूजोनियस को मनुष्य का दूर का संबंधी कहा गया क्योंकि ये फिलीपींस के द्वीप लुजोन पर रहते थे। गद्यांश के आधार पर असत्य कथन पर चयन कीजिए। प्राचीन काल में 7 मानव प्रजातियां पृथ्वी पर रहा करती थी, ये भी सही है। होमो सेपियंस का उद्भव और विकास अफ्रीका में हुआ था, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें वैज्ञानिकों को होमो ल्यूजोनियस के अस्तित्व पर संदेह है, ये नहीं है। तो ये बाकी सारे सही है, ये गलत है, असत्य है। ये था आज का CVE हिंदी का। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।